शर्मा चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे के छोले। मार्केट स्टाइल में कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स घर में बनाने वाले। 3 टमाटर लिए, 2 प्याज लिए, 2 अदरक लिए, 4 हरी मिर्च लिए। छोले मैंने रात को भिगो दिए थे, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। प्याज मैंने चॉप कर लिए है, टमाटर चॉप कर लिए है, हरी मिर्च काट लिए बीच में से, और अदरक हमने मोटे मोटे काट लिए। मसाला बनाया 2 चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमारा अनारदाना मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और इसे हम भूनेंगे। 1 मोटी इलायची लिए, 4 लौंग लिए और दालचीनी लिए। अब हम तड़का लगाएंगे। ये हमने देखिए छोले भिगो के रखे हैं, ये हमारे पिंडी वाले छोले हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स में और ढाबे में यही छोले बनते हैं। अब हम इसको बनाएंगे। ये हो गया हमारा गरम कुकर, इसमें हमने 2-3 चम्मच तेल डाल देना। अब इसमें प्याज हमें अच्छे से भूनना, अच्छे से मतलब बिल्कुल लाल करना। अब आप कहोगे कि तो नॉर्मल वो है कि लाल तो हमें हमेशा करते हैं, लाल का मतलब बहुत अच्छे से लाल, तभी आपका छोले का अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए प्याज हमारे भून रहे हैं, हमारे जितने भी हमने खड़े मसाले लिए थे वो हमने अब डाल के अच्छे से इसको भूनना है, बिल्कुल अच्छे से। हमारा प्याज भूनना शुरू हो गया, लाल होना शुरू हो गया। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप डाल लीजिए और इसको अच्छे से भूनना। भून गया है, 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब थोड़ी देर और भूनेंगे इसको 5 मिनट या 3 कर दीजिए, 3 पर भून लीजिए। देखिए प्याज हमारे भून गए हैं, अब इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट डाला था वो सारा इसमें हम मिला देंगे। अब जैसे ही हमने टमाटर डाल लिया तो हम उसको नमक, जितना हमने छोलों में नमक डालना है वो सारा नमक हम इसमें डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला है, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से देखिए साइडों में घी छोड़ दिया। अब हमने जो मसाला बनाया था वो सारा मसाला अब इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें छोले डाल देंगे। डाल दिया। अब छोलों में पानी हमने उतना ही डालना जितने हमारे छोले भीग जाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना हमें, बस इतना ही पानी डालना। देखिए हमने इसमें सीक्रेट भी डालना है। अब सीक्रेट क्या है हमारा, अब एक पैन रख दिया, पैन में हमने 1 कटोरी पानी गर्म रखा है, उसमें 2 टेबलस्पून हमने चाय पत्ती डाली है। इसको बल आने दीजिए। देखिए हमारी चाय पत्ती उबलनी शुरू हो गई है, रंग कितना अच्छा है। अब इसको हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसको छानेंगे, इसमें डालेंगे अब हमारा मार्केट का सीक्रेट, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। वाओ देखो क्या रिएक्शन हुआ है छोलों में। अब हमने गैस बंद करके और गैस कितना अच्छा रिएक्शन आया। अब हमने कुकर बंद कर दिया है और हम कम से कम 7-8 सीटी इसको लगवाएंगे और फिर देखेंगे। देखिए हमारे छोले एकदम गल गए हैं, देख रहे हैं आप। अब हम इसका ऊपर का तड़का लगाएंगे। अब हमने गैस पे घी गर्म करने के लिए रखा है, इसमें से थोड़ा सा हींग ऐसा
और जो हमने हरी मिर्च काटी थी वो डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। देखिए अभी हमने इसके ऊपर डाल देना। हमारे छोले कितने यम्मी टेस्टी बने हैं। देखिए छोले हमारे कितने यम्मी बने हैं, कितने अच्छे बने हैं, रंग कितना अच्छा आया, बिल्कुल होटल के स्टाइल की तरह बने हैं। अब आप इसको पूड़ी के साथ खाइए, भटूरे के साथ खाइए। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप आगे बताइए मुझे कौन सी वीडियो मेरे साथ देखना चाहेंगे, क्या खाना के लिए देखना चाहेंगे। थैंक यू, बाय।